डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स के बारे में। इस दफ़ा हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ डिमांड होता है यानी जो कस्टमर्स होते हैं, समझते हैं, जैसा उनके दिमाग में लॉ ऑफ डिमांड इंसर्ट हुआ होता है, उसका मतलब होता है लॉ ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इंक्रीज, मतलब डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। यानी जब प्राइस कम हो जाएगी तो वो चीज़ हम लेने ज़्यादा लोग लेंगे, और जब प्राइस इंक्रीज होगी तो वो चीज़ कम लोग लेंगे। और अब आ जाते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई होता है मेनली जो सेलर होता है, जो भेजता है चीज़ें, तो जब प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, ज़्यादा वो लाएगा ताकि वो भेजे चीज़ें। तो जब और सब क्या कहते हैं, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फिर जब उसके पता चल जाए, कोई बंदा दूध भेजता है, उसे पता चल जाए कि दूध की प्राइस ड्रॉप हो गई है, दूध की जगह डबल रोटी भेजना शुरू कर देगा, ऐसे ही पता चलेगा चलो अभी कम है ना, कल बढ़ जाएगी, कल कुछ दिनों बाद बढ़ने वाली है, वो सेव कर लेगा दूध और फिर डबल रोटी पे आ जाएगा जब तक गुजारा करने के लिए, जैसे ही बढ़ेगी वो सामने लेके आ जाएगा दूध। ये होता है लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड में। मैं होप करता हूँ आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर पता चल गया, आप चाहते हैं दूसरे लोगों को भी मिले, तो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है। और नोटिफिकेशन बेल दबा दिया, उससे आप हर वक्त देख पाएंगे कि कब मैंने कौन सी वीडियो बनाई, वो आप फौरन देख सकते हैं। थैंक यू।